hello students how are you all hope you all are fine students in our chapter 3 natural resource vegetation and wildlife we have already discussed about the different type of vegetation different type of forests in our today's video we are going to discuss about the wildlife वाइल्ड लाइफ मीन्स वाइल्ड लाइफ इंक्लूड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनीमल्स वो एनिमल्स जो हम अपने साथ अपने हाउस में अपने घर में नहीं रख सकते जिन्हें हम डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते डोमेस्टिकेशन मीन्स पाल नहीं सकते अपने साथ अपने घरों में नहीं रख सकते ठीक है सच एनिमल्स बर्ड्स फिशेज आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर नेचुरल हैबिटेट इज फॉरेस्ट तो ऐसे एनिमल्स को हम वाइल्ड एनिमल कॉल करते हैं और वो बाय uh, नेचर ही उनका घर क्या है उनका हैबिटेट उनके रहने की जगह कौन सी है दैट इज द फॉरेस्ट क्लियर सो वॉट इज वाइल्ड लाइफ wildlife includes all the birds animals fishes which lives in forest okay these are non domesticated animals just like lion tiger elephant clear these are the wild animals it is the most important part of the natural ecosystem ecosystem ka bahut natural way important part hai wildlife before the civilization human being also lives in forest because there is forest everywhere अर्थ पर मेनली पहले फॉरेस्ट थे सिविलाइजेशन तो जब डेवलपमेंट हुई तब स्टार्ट हुई जब ह्यूमन बींग न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप करना स्टार्ट किया ह्यूमन बींग स्टार्टेड लिविंग ऑन अ प्लेस टू ग्रो फूड और फॉर द स्टेबिलिटी ठीक है तो उस टाइम पर सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई ह्यूमन बींग ग्रो करता रहा डेवलपमेंट होती गई और प्रॉपर सिविलाइज वे में ह्यूमन बींग ने रहना स्टार्ट कर दिया ठीक है बट बिफोर दैट ही यूज टू लिव इन फॉरेस्ट वेरी गुड ओके तो फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट सो वाइल्ड लाइफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम जो बाय नेचर एको सिस्टम बना हुआ है हमारा एनवायरमेंट का एक जो सिस्टम बना हुआ है एक इकोसिस्टम जो डेवलप्ड है उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वाइल्ड लाइफ जस्ट लाइक द फॉरेस्ट और द ट्रीज एंड प्लांट्स वाइल्ड लाइफ वेर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशन we have already read that according to climate or rainfall the vegetation changes if there is less rainfall there is less vegetation and different type of bushes and shrubs we get there thorny plants we have in deserts area or less rainfall areas or grasses are there

थॉर्नी प्लांट्स जो होते हैं जिन पे थॉर्न ज़्यादा होते हैं बुशेस मिलती हैं ओके सो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द वेजिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट एंड रेनफॉल तो सीम वाइल्ड लाइफ ऑल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही किसी एरिया में हमें वाइल्ड लाइफ भी मिलती है फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया देयर इज अ रिच वराइटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स द ब्लैक पीकॉक, लायन, लॉयन बेंगाल टाइगर आर फाउंड इन इंडिया अब इंडिया में हर एरिया में अकॉर्डिंग टू रेनफॉल और अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट कवर वेजिटेशन क्लाइमेटिक कंडीशन इन सब के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वाइल्ड लाइफ है उनमें कौन कौन से हैं पीकॉक ब्लैकबक लायन टाइगर दीज आर द एनिमल्स दैट वी फाउंड इन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में बियर, एमू कोकाबुरा ये सब जो एनिमल्स हैं ये हमें ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं ठीक है तो वाइल्ड लाइफ जो है वो अकॉर्डिंग टू एरिया चेंज होती रहती है वाइल्ड लाइफ इज वेरी एसेंशियल टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन द अर्थ सरफेस अर्थ के सरफेस पर एक बैलेंस बनाकर रखने के लिए एनवायरमेंट में एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए वाइल्ड लाइफ बहुत असेंशियल है हेयर इज द पिक्चर ऑफ कोकाबुरा। इन डू यू नो देयर इज कोकाबुरा इज नोन एज लाफिंग जैकस ठीक है दैट इज द कोकाबुरा। ना देयर आर बर्ड वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरीज एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन आर कंट्री एज वेल एज इन द होल वर्ल्ड गवर्नमेंट ने जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इस्टेब्लिश की हैं और बर्ड सेंचुरीज टू कंजर्व दाइल्ड लाइफ एंड कंजर्व द बर्डस फॉर स्टॉप हंटिंग ठीक है वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए हमारी और पूरे वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट है हर एरिया की गवर्नमेंट बहुत सारे डिफरेंट मेजर्स को यूज़ कर रही है डिफरेंट मैथड्स को यूज़ कर रही है ओके सो इन आर कंट्री वी हैव सो मैनी बर्ड सेंचुरीज एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स टू सेव वाइल्ड लाइफ एंड टू सेव नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स अस्थेटिक वैल्यू एंड एकोलॉजिकल बैलेंस द बुटीफर ब्यूटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बूस्ट टूरिज़म एंड क्रिएट्स जॉब्स फॉर द पीपल वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट है हमारे इकोलाजिकल बैलेंस के लिए और इस्स्थेटिक वैल्यूज के लिए ओके वाइल्ड लाइफ जो है वो एक ब्यूटी प्रोवाइड करती है We want to see the wild animals, we enjoyed to watch all these things. So the beauty of wildlife or wild animals boosts the tourism. Everyone wants to know about the different wildlife. Alag ke animals. Dekhna, फॉरेस्ट में जाना ये सबको अच्छा लगता है सबको अट्रैक्ट करता है ये एंड दिस ब्यूटी अट्रैक्ट टूरिज्म आल्सो टूरिस्ट केम टू दैट प्लेस ओके और अगर टूरिज्म होगा तो न्यू जॉब्स भी डेवलप होंगी न्यू जॉब्स मिलेंगी लोगों को

अट्रैक्ट करती है टूरिज्म को ग्रो करती है डेवलप करती है बूस्ट करती है एंड इट क्रिएट्स जॉब फॉर द पीपल और टूरिज्म के इंक्रीज होने से लोगों के लिए न्यू जॉब्स भी क्रिएट होती हैं जस्ट लाइक गाइड और अगर वी हैव टू मूव इन एनी फॉरेस्ट और नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सो वी नीड ड्राइवर्स विद अस ओकि गाइड्स चाहिए ड्राइवर्स चाहिए राइट सिक्योरिटी गार्ड्स आर देअ सो रेस्टोरेंट्स मस्ट भी देयर नाट इन द फॉरेस्ट बट आउटसाइड द फॉरेस्ट जो जिस एरिया से हम फॉरेस्ट में एंट्री कर रहे हैं वहाँ पर जो फूड सेंटर्स हैं वो होने चाहिए होटल्स होने चाहिए तो बहुत सारी जॉब्स डेवलप होते हैं बहुत सारी जॉब क्रिएट होती हैं टूरिज्म से ओके सो इट जस्ट बूस्ट द टूरिज्म एंड क्रिएट्स जॉब फॉर द पीपल नेक्स्ट इज एनिमल्स बिहेवियर चेंजेस एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर लाइक सुनामी एंड अर्थक्वेक जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आना होता है ना तो एनिमल्स को पहले ही इंट्यूशन हो जाती है

तो वो अपने प्लेसेस से मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं उनके बिहेवियर में चेंज आ जाता uh, है और जो पर्सन्स कॉन्टेक्ट में हैं एनिमल्स के उन्हें बिहेवियर में चेंज विजिबल होता है दे कैन ईजीली अंडरस्टैंड देयर चेंजेस इन देयर बिहेवियर सो वी कैन यूज द चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स एज एन इंफॉर्मेशन वी कैन यूज इट एज द वॉर्निंग सिस्टम एंड वी कैन सेव लाइफ ऑफ पीपल बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन अगर हमें प्रॉपर एनिमल्स के बिहेवियर की नॉलेज है तो हम उस बिहेवियर के चेंजेस जो आए हैं उनसे एक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं उसको एज एन इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं एक वार्निंग सिस्टम की तरह यूज़ कर सकते हैं और लोगों की लाइफ सेव कर सकते हैं सो देर आर टू पॉइंट्स फर्स्ट इज दे इंक्रीज द टूरिज्म एंड टूरिज्म क्रिएट्स जॉब्स फॉर द पीपल That is the first point. Another point is that animal behavior change during the uh, at the time of natural disaster and we can use it as a information as a warning system to save the life of people. that is the another point. Next is dead and decaying plants and animals also produce humors we have read it so many times that dead and decaying plants makes the soil fertile as they produce humus okay humus is helpful to maintain the fertility of soil clear in various parts of the world wild animals are hunted for various purposes

फ यू हैड टू किल एनीमल्स ही जस्ट किल्स फॉर देअर सेक वो कुछ नहीं सोचेगा अगर उसे एनिमल्स को किल करना पड़ता है तो वो करेगा सो इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन बींग आर हंटिंग द एनिमल्स फॉर देयर सेल्फिश परपजेस फॉर मीट फॉर स्किन फॉर लेदर फॉर हॉर्न मतलब अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए वी आर किलिंग द एनिमल्स इन फॉरिन कंट्रीज पीपल Wear the what we say fur uh, fur, wale jo coats hote hain fur coats they wear and they are made up of animal skin. That is the reason they keep the people warm. No doubt these are costly, but kya cost? We किल्ड द एनिमल्स फॉर दैट तो इट इज आई डोंट थिंक इट इज अयूमन थिंग हमारी ह्यूमन नेचर नहीं है कि हम लोगों को या एनिमल्स को किल करें बट पीपल डू दिस दे हॉन्टेड एनिमल्स फॉर अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल दिस डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द इन्वायरमेंट ये इतनी ज़्यादा हंटिंग फॉर द लेदर फॉर मिल्क फॉर द मीट फॉर फर फॉर देयर हॉर्न्स हॉर्न्स का क्या करते हैं फॉर मेक ऑर्नामेंट्स दे यूज हॉर्नस ठीक है और जस्ट टू डेकोरेट देयर हाउसेज ठीक है तो ये जो हंटिंग है ये बहुत ज्यादा इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है हमारे इकोसिस्टम में इट डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ एनवायरमेंट मैनी बर्ड्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट एंड मैनी अदर आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन बहुत से बर्ड्स ख़त्म हो चुके हैं बहुत से एंडेंजर्ड हैं तो ये क्यों हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग बहुत से ऐसे बर्ड्स हैं एनिमल्स हैं जो अब अर्थ पर हैं ही नहीं ओके सो देवर देअर वो पहले थे यहां बट अब वो हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं दे बिकम एक्सटिंक्ट एंड मैनी अदर आर ऑन द वर्ज ऑफ़ एक्सटिंक्शन और बहुत से ऐसे हैं जो ख़त्म होने जा रहे हैं जो अब यहाँ अर्थ पर हमें नहीं मिलेंगे आर फॉरेस्ट आर ट्रेजर ट्रूवस ऑफ बायोडाइवर्सिटी दे हार्बर मिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर वाइल्ड लाइफ सफर्स सीवियरली ड्यू टू द डिफॉरस्ट्रेशन एंड अर्बनाइजेशन Many animals have become extinct because they have lost them. Our forest is a treasure, a hazana hai which there is a biodiversity, different type of animals, plants, birds, insects are there in our forest. Forests are the habitat of animals different species of animals live in forest areas and this wildlife suffers due to the deforestation and urbanization we cut the trees to make the uh, construct the roads to build the houses to build the factories so Due to deforestation, the wildlife suffers. हमारी जो वाइल्ड लाइफ है हमारे यहाँ की जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं हम क्या कर रहे हैं हम उनका हैबिटेट उनका घर उनसे छीन रहे हैं वी आर कटिंग द ट्रीज एंड जो फॉरेस्ट है वी आर कटिंग द फॉरेस्ट एंड द फॉरेस्ट आर द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ सो वेयर वुड दे लिव इफ वी कट द फॉरेस्ट रूथलेसली दे लॉस देअर हैबिटेट एनिमल्स अपना हैबिटेट लॉस लूज करते जा रहे हैं उनसे वो छूटता जा रहा है तो अब वो कहाँ रहेंगे Many animals have become extinct because they have lost their habitat. Hence, there is a great need for the conservation of wildlife. It is very important wildlife we conserve wildlife. Several steps are being taken by the government of India to conserve the wildlife. Hunting and poaching. ऑफ़ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स है एनिमल्स को या बर्ड्स को ये बैन होना चाहिए और बैन है भी किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ इज अ पनिशेबल ऑफेंस अगर कोई पर्सन वाइल्ड लाइफ की हंटिंग करता हुआ या उसको किल करता हुआ मिलता है तो ही और शी शुड भी पनिश्ड इट इज अ पनिशेबल Offense you will punished for that work. Natural parks and wildlife sanctuaries are being set up in different parts of the world. Pure world may alag alag areas may alag, alag national park or wildlife sanctuaries set up. Ki At present, India has 103 national parks and 528 wildlife sanctuaries there is a difference between national park and wildlife sanctuaries we will discuss in our next video okay but for today we have to just keep it in mind then that there are 103 national parks and 528 wildlife sanctuaries in our country okay so in today's lecture, we have discussed about the wildlife. You have to read it from your book. And I hope you easily understood this topic easily. Hoga. It is very much easy topic. Just read it thoroughly and watch the video. Okay, that's it for today. Thank you and have a nice day.